नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से, और आज मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर के अपने आवाज़ से ही बात कर रहा हूँ। दो तीन दिनों से आवाज़ से ही कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, तो एक बात मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ और उन सबों को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन लोगों ने भी मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। 80 तो पार कर गया, दो दिसंबर को आगे प्रभु की इच्छा। मुझे डर, सही में डर लग रहा था, कारण कि मेरे पिता की भी आयु 79 ईयर्स थी, तो पिता आयु पर्यंत ही पुत्र की आयु की एक संभावना मानी गई है। तो चलिए, ईश्वर भगवान महादेव महादेव भगवान मृत्युंजय की कृपा, उन्होंने मुझे जीवित रखा और आज भी हूँ मैं आपके सामने, मैं मुखातिब हूँ। अब मैं गुरु के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, और अधिकांश लोग अब बोलते हैं हमको कि सर आपका जो वीडियो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, बोर हो जाता हूँ, और इतना सुनने का समय किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि आदमी 45 मिनट एक घंटा तक सुने। इसको आप संक्षिप्त कर दीजिए, काइंडली ब्रिंग इट अप टू 30 मिनट्स सो दैट एवरीबडी कैन स्पेयर टाइम। सो 15-20 मिनट हो तो एक्सलेंट होता। अब है कि ये तो एस्ट्रोलॉजी है, एक दो मिनट में बोलने की चीज़ है ही नहीं है, और मैं और लोग कैसा हूँ नहीं, उतना विद्वान नहीं हूँ कि उतना संक्षिप्त करके बोल सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि संक्षिप्त में बोलूँ। और इसमें एक इसका अहित ये हो जाएगा कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें जो बताना चाहता हूँ वो छूट जाएगा, बहुत बहुत कुछ बातें छूट जाएंगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो आज मैं मेष राशि के बारे में बोल रहा हूँ। ये मेष राशि यहाँ है, चंद्रमा आपका मेष राशि में है, एक नंबर में चंद्रमा है तो आपका मेष राशि है, और गुरु यहाँ से नौवें घर में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वें घर में है गुरु, और गुरु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ गए। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जल को बोलते हैं, अपा, और इसमें ये जो शुक्र है ये बेस हो गया, शुक्र को बेस मान लीजिए, इसलिए कि गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, और आई एम टॉकिंग फॉर मेष राशि, मैं मेष राशि के बारे में बात कर रहा हूं। मेष राशि के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेष राशि के तीन टुकड़े हुए, अश्वनी, भरनी और कृतिका। तो ये मेष राशि का प्रथम टुकड़ा अश्वनी हुआ, जो केतु इसके स्वामी होते हैं। तो केतु से हम शुक्र तक गिनेंगे, सो केतु, केतु के बाद शुक्र होते हैं। तो दो नंबर में हुआ जन्म, जन्म संपद। तो अश्विनी दो नंबर में होने के कारण शुक्र संपद तारा में आएंगे,
और इसी शुक्र के पेट में गुरु हैं, तो गुरु अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए संपद है, धन है, देने वाले हैं, चाहे वो संपत्ति ज्ञान की संपत्ति हो, धन की संपत्ति हो, शरीर की संपत्ति हो, मस्तिष्क की संपत्ति हो, या और भी किसी तरह की भौतिक संपदा हो, संपत्ति हो। शुक्र है फीमेल प्लैनेट, तो अश्विनी नक्षत्र वाले जितने लोग हैं और आपकी शादी होनी है, तो शादी आपकी संपत्ति के कारण होगी, धन के साथ होगी, मान मर्यादा रुतबा के साथ, क्वालिटी के साथ। चूंकि शुक्र है, शुक्र के घर में गुरु हैं, तो पत्नी के अंदर में क्वालिटी बहुत होगी, गुण होगा, बहुत गुण होगा। जैसे देवताओं के स्वामी गुरु हैं, तो उसके अंदर में भी बहुत ज्ञान होगा, संभवतः आपसे भी अधिक ज्ञानी हो। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये सबसे उत्तम स्थिति में संपत्ति तारा में होने के कारण बहुत लाभ होगा। अब ये अश्विनी नक्षत्र को घुटना बोलते हैं, शरीर के अंगों में नक्षत्र का पूरा व्याप्त है। कभी चित्र बना करके कौन से नक्षत्र में कौन से हिस्से को इंडिकेट करते हैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो पैर का घुटना है। तो जो लोग घुटने के रोग से ग्रसित हैं, गुरु का शुक्र के नक्षत्र में आना आपके घुटने में आरोग्यता देगा। यदि आपके घुटने का ट्रांसप्लांट हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ झंझट है, उसमें डस्ट आ गया है चक्री के नीचे, तो बी श्योर यू आर बीइंग बेनिफिटेड, बहुत कुछ मिलने जा रहा है आपको, आरोग्यता तो जरूर मिलेगी। और शुक्र के नक्षत्र में गुरु होने के कारण शुक्र को ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, तो शरीर के अंदर में भी अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका जन्म अश्विनी के नक्षत्र में चारों चरण में हुआ है, उन सबों के लिए बोल रहा हूँ कि यदि आपको कुछ ग्लैंड्स की भी बीमारी है तो वो भी आपकी ठीक हो रही है, उसमें भी आरोग्यता आ रही है, घुटने में प्रॉब्लम है तब भी आरोग्यता आ रही है। नंबर टू, धन संपदा मिल रही है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो रही है, इंक्रीमेंट बढ़िया मिल रहा है। और ये मेष राशि पूर्व दिशा को बोलते हैं, पूर्व दिशा को बोलते हैं मेष, तो पूर्व दिशा से भी विशेष लाभ, यदि आप पूर्व दिशा की ओर आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है। पूर्व का मतलब कलकत्ता, हिंदुस्तान के नक्शे को आधा चीर दीजिए, इसको ऐसे हाफ कर दीजिए, तो ये इस तरफ से ये वेस्ट हो गया, इधर ये ईस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कलकत्ता, दिस साइड, इस साइड। तो उधर भी यदि आपकी पोस्टिंग होती है, कुछ होता है, तो यू आर बीइंग बेनिफिटेड, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन अभी ये गुरु शनि के साथ है, केतु के साथ है, शुक्र के साथ है, तो गुरु जो अपना रिजल्ट देंगे किसी भी राशि को, मेष राशि को, वृषभ राशि को, मिथुन राशि को, किसी भी बारह राशि में किसी भी राशि को जो अपना रिजल्ट देंगे, तो उसमें जो सहयोगी उनके साथ जो है, मित्र या कुमित्र जो भी हैं, जो भी हैं, वो उनका भी रिजल्ट को ये गुरु कैरी करेगा। तो गुरु धनु राशि में है, मूल त्रिकोण में है, 75% में है, 120% मनुष्य के आयु के हिसाब से गुरु का बल 90 के बराबर है, अंक 90 के बराबर है। तो गुरु के अंदर में इतना बल है, तो ये लाभ करते हुए, संपत्ति देते हुए 90% की बात बोल रहे हैं। मतलब यदि कोई आदमी किसी कंपनी में दोयम सेकंड स्टेज में काम कर रहा है, तो आपका प्रमोशन हो करके यू कैन बी CEO या MD या टॉप ऑफ द पोस्ट पर जा सकते हो। ये भी सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है, बहुत बढ़िया सिचुएशन बना है केतु के कारण। और केतु को मंदिर का झंडा भी बोलते हैं, फ्लैग ऑफ द टेंपल, शिखा, सिर के ऊपर में जो चोटी होती है वो गाय के खुर के समान चोटी होती है, और वहीं पर ब्रेन रहता है, इसलिए गोखुरी उसको बोलते हैं।
इस चोटी को, उस टिक्की को गोखरी बोलते हैं, और पूरे शरीर, पूरे मुंडन कर लीजिए आप, लेकिन वो गोखरी को बचा करके रखे, कारण कि उसी के नीचे आपका ब्रेन है, और उस ब्रेन को तेल और सुरक्षा होनी चाहिए, जिसमें वो चाहिए उसको मजाक में बचपन में हम लोग बोलते थे एरियल है आपका, सही में एरियल है, मजाक में नहीं है, सही में एरियल है। ज्ञान वहीं से, ईश्वरीय ज्ञान को उसी चोटी के जरिए मंत्र पढ़ करके बांधा जाता है और खोला जाता है शिखा को। तो ये गुरु बहुत कुछ देने वाले हैं और सबको देंगे, लेकिन शुक्र के होने के कारण अश्विनी नक्षत्र वालों को ये बहुत कुछ दे रहे हैं। तो अश्विनी मघा मूल तीन नक्षत्र केतु के होते हैं, तो किसी भी राशि में अश्विनी मघा मूल पढ़ते हो, सबों को ये दे रहे हैं और पूरा का पूरा दे रहे हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में एक खास बात है, खास बात यह है कि गुरु 9 नंबर में होने के कारण इनकी पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, जो गुरु की पंचम दृष्टि में 100% बल होता है, जैसे सप्तम दृष्टि 100% होता है, तो गुरु का पंचम दृष्टि में भी 100% बल होता है। तो गुरु पुनः इसी मेष राशि को देख भी रहे हैं, और बिना देखे हुए भी यदि नहीं भी देखते तब भी अश्विनी नक्षत्र को तो बहुत कुछ मिल ही रहा था, दे ही रहे हैं संपत तारा में पड़ने के कारण। अब पुनः गुरु की पंचम दृष्टि इस पर पड़ रही है, आपके राशि पर पड़ रही है, तो ये मेष राशि को ये बहुत ऊपर उठा रहे हैं, बलि कर रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको। तो मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी ही पड़ रहा है, तो जो आपको मिलेगा अनमोल मिलेगा, अत्यंत ही उत्तम मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा, ये सत्य है, ये सत्य है। और मेष से ये गुरु नवम भाव में पढ़ रहे हैं, नवम भाव में पढ़ने के कारण ये आपके भाग्य के घर के इंडिकेटर हो गए, मेष राशि वालों के लिए पापा के इंडिकेटर हो गए और आपके पर्सनल गॉड के इंडिकेटर हो गए। तो ये पर्सनल गॉड के लॉर्ड गुरु के साथ आपके भगवान के जो आपके इष्ट देव हैं उनकी कृपा सीधा मेष राशि वालों को मिल रही है, सीधा का सीधा डायरेक्ट 100% मिल रहा है। तो जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप इष्ट मान चुके हैं, जो गुरु जी आपके गुरुदेव लोग बताएं, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही में एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इष्ट देव हैं, एस्ट्रोलॉजी में लिखा रहता है, और नहीं तो जो साधु संत महात्मा जो बिल्कुल दिव्य दृष्टि के साथ है, ढोंगी की बात नहीं कर रहा मैं, जिनको सही में दिव्य दृष्टि है और जो बहुत ऊपर संसारिक में है, जो देख सकते हैं, जैसे संजय को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी कि महाभारत की कथा तुम सुना सकते हो, तो वैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त जो गुरु हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपके पर्सनल गॉड कौन है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके पर्सनल गॉड की पूरी कृपा आपको पड़ रही है मेष राशि वालों को, और ये मेष राशि, अगेन इट इज ईस्टर्न जोन, मेष राशि इज अगेन ईस्टर्न जोन, पूरब दिशा है, और इस पूरब दिशा में दो तीन नक्षत्र होते हैं मेष राशि के हिसाब से। अश्विनी जो है वो मीन में पड़ जाता है, ब्राह्मीर के कूर्म चक्र के हिसाब से अश्विनी भरणी ये दो नक्षत्र जो है मीन राशि में पड़ता है, तो मीन राशि के हिसाब से ये जो अश्विनी नक्षत्र है ये मीन राशि
के अंदर में आने के कारण भी ये बहुत ही सुंदर हो गया। इसके अंदर में जल का प्रवेश हो गया, नक्षत्र में भी जल का प्रवेश हो गया। तो यू विल ऐड वेट, आपके शरीर, जो लोग डाइटिंग कर रहे होंगे उनके बात बोल रहा हूँ, सावधान हो जाइए, आपका वजन बढ़ने वाला है, आपका वजन बढ़ जाएगा। तो जो लोग इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं कि हमारा वजन ना बढ़े, उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अपने को सावधानी से इस क्षेत्र में देखिए। आप तो समय बहुत बढ़िया है किनके लिए, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। आज मैं मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के लिए बात किया। अब रहा दूसरा नक्षत्र, होता है भरणी। भरणी नक्षत्र खुद शुक्र का ही नक्षत्र है। शुक्र का नक्षत्र होने के कारण शुक्र से शुक्र जन्म तारा में ही आया, बर्थ स्टार। तो बर्थ स्टार का मतलब ही है कि शरीर। तो भरणी नक्षत्र जो है ये शरीर को इंडिकेट करेगा, आपके पूरे शरीर को इंडिकेट कर रहा है, एंड ऑल्सो द ग्लैंड्स। शुक्र का ये एक खास है, और इस नक्षत्र के स्वामी यम होते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है, जिनको बहुत तरह के रोग होने का डर है, या जो लोग समझ रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो सकती है या मृत्यु के इस खंड में आ चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि डरिए मत। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। ईश्वर के शरण में आइए, शरणागत हो जाइए, कहीं कोई झंझट नहीं है आपके लिए भी। ये एक खास बात मैं बोल रहा हूँ। और भरणी जमराज का ही नक्षत्र है, और मैं पहले बोल चुका हूँ कि जमराज की पूजा सिर्फ एक ही दिन होती है, वो भी दिवाली के पहले। दिवाली के एक दिन पहले जो होता है वो जमराज की पूजा होती है। तो ये शुक्र जो जमराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जमराज के अंदर भी भगवान विष्णु की कृपा बन रही है, जिनके कारण आपको, जैसे मैं हूँ, मैं 80 के ऊपर आ चुका हूँ, अब मेरी मृत्यु यदि होगी तो ढंग से मृत्यु होगी, यदि एक साल के भीतर मृत्यु होती है तो, और कष्ट नहीं होगा, और मैं निम्न गति में नहीं जाऊंगा, ऊर्ध्व गति में जाऊंगा, ऊपर की ओर जाऊंगा। तो भरणी नक्षत्र वालों का भी यही हाल है। आप भी निश्चिंत होकर के भगवान की सेवा कीजिए, भगवान शंकर की सेवा कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, आपको कोई बड़ा कष्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आपको यदि कुछ प्रॉब्लम है, गायनी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर में, तो ये रोग तो छूट जाएगा, प्रॉब्लम तो छूट जाएगी, कष्ट भी कम हो जाएगा। यदि कहीं ऑपरेशन की भी बात हो रही है तो आप निश्चिंत होकर के ऑपरेशन भी करा सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। कारण कि कहा गया है गुरु के दृष्टि में, कोई भी गुरु के पूर्ण दृष्टि में, इस शब्द को पकड़ लीजिए, गुरु के पूर्ण दृष्टि में कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो,
दुष्ट ग्रह हो क्रूर ग्रह हो, शुभ ग्रह तो शुभ ग्रह है ना, अनिष्ट प्रदा, वो अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि, 100 पैसे वाली जो दृष्टि है उसको पूर्ण दृष्टि बोलते हैं। किसी भी ग्रह पर पड़े वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट क्यों नहीं हो, इस चीज को आप अपनी कुंडली में उसको चेक कर लीजिए। आप डर रहे होंगे कि शनि खराब है या राहु खराब है, तो आप देख लीजिए कि कहीं गुरु की पूर्ण दृष्टि तो 5वीं 7वीं और 9वीं नहीं पड़ रही है। यदि इवन 4थी और 8वीं अष्टम दृष्टि भी पड़ रही होगी जो 75% की होती है, तो ये ग्रह ना अनिष्ट फलदा, अनिष्ट नहीं करेगा। तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी जन्म तारा में आते हुए भी ये शुभ जाएगा, ये सत्य है। और आपकी आरोग्यता भी ठीक रहेगी, ये भी सत्य है। जमराज भी प्रसन्न होंगे, ये भी सत्य है। मतलब रोग कष्ट अरिष्ट, कष्टारिष्टम घोर भयम, ये सारी चीज़ों इस विपत्ति से आपकी मुक्ति दे रहे हैं। गुरु अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र वाले को मेष राशि में जिनका जन्म है, यू आर लक्की। और तीसरा नक्षत्र कृतिका है, इसके स्वामी सूरज होते हैं, तो सूरज से गिनती करते हैं। सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये नौमा पड़ा, 9th पड़ा। इस सूरज से ये शुक्र 9th हुआ। 9th बोलते हैं परम मित्र तारा को। तो कृतिका सूर्य के लिए, शुक्र तो परम मित्र तारा में है, तो शुक्र में ही तो गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु परम मित्र तारा में आ गए, तो सूरज को आत्मा बोलते हैं और गुरु को जीव बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। तो यदि आप थोड़े भी धर्म से प्रेरित हो, तो हो सकता है कि इस दौरान आपको गुरु मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, भगवान मिल जाए, सपने में भी कुछ तो मिले, मिलना ही है, ये सत्य है। धन्य है वो लोग जिनका सूरज का नक्षत्र है, चाहे कृतिका हो, उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा हो, धन्य है आप। ईश्वर की बहुत कृपा आपके ऊपर में है, आपके इष्ट देव की बहुत कृपा आपके ऊपर में है, ये सत्य है। सो जो आपके इष्ट देव हैं, कलयुग में नाम की महिमा है, थोड़ा उनका गुणगान कर लें। जो इष्ट देव हैं, यदि आपको उनका गायत्री मंत्र याद है, यदि आप जानते हैं, तो गायत्री मंत्र से उनका 27 बार दिन में जप कर लीजिए। आप इतने बड़े होने वाले हैं तो इतने बड़े हो जाएंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करेंगे। सूरज के 3 नक्षत्र वाले के लिए आनंद है। देखिए, सूरज जो कृतिका नक्षत्र है, मनुष्य के कमर को बोलते हैं, जिसमें हम लोग बेल्ट बांधते हैं, उस जोन को बोलते हैं। नाभि से 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, उसमें बहुत सारी किडनी उडनी भी आ जाते हैं। तो जितने भी रोग हो कमर में, और यदि आपका कृतिका नक्षत्र है, तो सर्तिया 100% में श्योर बोल रहा हूँ, आई यूपी मिश्रा एम गिविंग यू एश्योरेंस, आप ठीक हो जाओगे। आपको डॉक्टर सही मिलेंगे, सही डॉक्टर मिलेंगे, इलाज भी सही होगा और आप सिद्ध भी हो जाओगे। सिर्फ भरणी नक्षत्र वालों को, सिर को बोलते हैं सिर, हेड, हेड बोलते हैं भरणी नक्षत्र को। तो भरणी नक्षत्र में जब गुरु की स्थिति आएगी, दृष्टि की बात यहाँ पर है, स्थिति नहीं है, स्थान हानि करो गुरु वाली बात नहीं है यहाँ पर, गुरु की दृष्टि है। मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि में ना अनिष्ट फलदा, तो ये सिर को भी ये रक्षा कर रहे हैं, जिनको ब्रेन में कुछ समस्या है, बोलने की समस्या है, याददाश्त कम हो रही है,
जिस मेरे जैसे लोगों की सामान्यतः ही इस उम्र में स्मृति लोप होने लगती है, या और भी किसी तरह से ब्रेन में कुछ समस्या है, आई डोंट मीन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर वगैरह, उस तरह की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। आई एम सिंपल गिविंग यू ए हिंट कि गुरु धनु राशि में होने के कारण इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है मेष में, घुटना, सिर और कमर। मनुष्य के ये तीन तीनों नक्षत्र अश्वनी घुटना को इंडिकेट करते हैं, भरणी हेड को इंडिकेट करते हैं, कृतिका कमर को इंडिकेट करते हैं। ये तीनों में जिनको रोग होगा आपका ये छूट जाएगा, उपचार के जरिए अवश्य छूटेगा। अब थोड़ी सी जो बात हमने कही उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि गुरु थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, वो मैंने पहले बताया था, पहला जो इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन भी मैंने कहा था, तो किसी ने कोई है मिस्टर वो कमेंट करते हैं कि आप तो बहुत डराते हो, नेगेटिव 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 ही बोलते हो। मैं क्या करूं, जो लिखा है वही तो बोलूंगा, भगवान करे नेगेटिव ना हो। लेकिन ये फास्ट मूविंग प्लेनेट हो गया, ये स्लो मूविंग प्लेनेट है गुरु, और हो गया यहाँ पर फास्ट मूविंग, रिवर्स इनका नेचर हो गया, इनकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। इतने भारी ग्रह तेजी से चल रहे हैं तो कहीं तो हिला देंगे, कहीं तो झंझट कर सकते हैं। जो आपदा विपदा आएगी वो सभी के लिए आएगी, सिर्फ आप ही के लिए नहीं आएगी। भरणी नक्षत्र सिर में और घुटने में और कमर में वो नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की अपनी दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ, तो आपदा विपदा पूरे लोगों के लिए विश्व में हो सकता है आपको छोड़ करके। मेष राशि के तीन नक्षत्र वाले जो हैं, अश्वनी पूरा चारों चरण, भरणी पूरा चारों चरण और कृतिका का एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट, 9 चरण हो गए, तो 9 चरण वालों के लिए ये बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो ये बात मैं आपको बोलना चाह रहा था। और एक बात और बता दूं कि धनु राशि में ही गुरु शनि केतु और शुक्र है। धनु राशि कुर्म चक्र के हिसाब से, वराह मिहिर के हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट एरिया को इंडिकेट करते हैं। मैंने ये भारतवर्ष का नक्शा बनाया है और इधर वेस्ट और ऊपर आधा नॉर्थ, तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये चार ग्रह या आ गए हैं। अच्छा बुरा उनको जो करना है यही करेंगे। तो धनु को गुजरात, जमुना, पश्चिम पाकिस्तान, चंडीगढ़, जलंधर, कुल्लू, श्रीनगर, अमृतसर, रेगिस्तानी भाग, राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह के ये इसको इंडिकेट करता है। तो गुरु जो तेजी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इन सब एरिया में थोड़ी सी समस्या आने की संभावना 80% है, भगवान करे कि ये 0% हो जाए। कारण कि मैंने कहा कि गुरु ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिकेट करता है, इट इज ए वेरी हेवी ग्रेविटेशनल पुल। मेरा शरीर वहां जाओ तो 22 टन का हो जाएगा। तो ये भागते भागते बहुत सारे, जैसे उंगली में रस्सी बांध करके और उसमें एंड में ढेला बांध दूं तो घुमा सकता हूं मैं, ऐसे घूमेगा गोल गोल। लेकिन यदि रस्सी को थोड़ा ढीला कर दूं तो और उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, और ढीला कर दूं तो और बड़ा हो जाएगा एरिया। तो ये जब गुरु तेजी से चलने लगेंगे तो अपने पाथ के अलावा भी दूसरे जगह के एरिया को ये डिस्टर्ब करेंगे, तो जनरली ऐसे में भूकंप आ जाता है, जनरली ऐसे में विपत्ति आ जाती है। जैसे शनि यहाँ पर है तो शनि ने कहा कि हिम अधिक हो, वर्षा अधिक हो। गुरु भी, मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमी बहुत नहीं गड़बड़ होगा, लेकिन गुरु का कहना है कि धनु राशि में जब मैं आता हूँ तो वर्षा का अभाव करूँगा, अन्न महंगे होंगे, बाकी सब चीज। जब अन्न महंगे होंगे मतलब दाम बढ़ेगा, इकोनॉमी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, फिर भी भारतवर्ष को कष्ट नहीं होगा, इतना मैं आपको आज भी एश्योर्ड कर रहा हूँ। ये मैं आपको आज भी एश्योर्ड कर रहा हूँ। सिर्फ धनु राशि में जब है तो इतने जगह ये डिस्टर्ब करेंगे। तो एक मैंने लिखा है चंडीगढ़ और अमृतसर,
दोनों जगह का नाम लिखा हूं। और यहां गुरुद्वारा होते हैं, धार्मिक स्थान है, तो वहां कुछ उपद्रव संभव है, संभावना है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक तो ये बात देख रहा हूं, और एक नंबर से नाइन्थ हाउस में है, तो एक नंबर को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जैसे कश्मीर है, चीन है और सब बहुत सारे देश आते हैं, यह भी थोड़ी सी सुधार होगी, स्थितियां और भी सुधार हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ छोटे जगह में ही कुछ होगा, ऐसा बात नहीं है। गुरु की दृष्टि, इनकी जो दूसरी सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो राहु के ऊपर पड़ेगी। राहु विदेश को बोलते हैं, मिथुन राशि है, वेस्टर्न कंट्रीज, तो यहां से भी लाभ है हमारे भारतवर्ष को, पूर्वी क्षेत्र से भी और लाभ है। तो पूरब दो बार बोल रहे हैं यहाँ, पांच नंबर माने ईस्ट, एक नंबर माने ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो बांग्लादेश वगैरह भी हो जाते हैं या इससे बियॉन्ड, तो उधर से भी हम लोगों को कुछ विशेष लाभ होना चाहिए। तो आज मैं यहीं तक संक्षेप कर रहा हूँ, कारण कि मेरी इच्छा है कि 30 मिनट के भीतर ही रखूँ। तो फिर से मेरा प्रणाम ले लीजिए, और अगेन आई थैंक्स टू एवरीबडी दोज़ हू हैव विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। मैं सही में ठीक था, दो तीन दिन से जा नहीं पा रहा हूँ मोहल्ले की फिक्र से। लोग आ जाते हैं और ठीक ऐसे समय में आते हैं जिसमें हमको स्टूडियो जाना रहता है, तो मैंने कहा कि चलो आज घर से ही बात कर लूँ। होपफुली यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द सेम वे। थोड़ी असुविधा हो सकती है कि बोर्ड छोटे हैं और मैं पूरा बोर्ड पर जैसे बताता हूँ वैसा नहीं बता पा रहा हूँ लिख करके, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट तो ही है, तरीका भी मेरा वही है। और गुरु चूंकि फास्ट हैं, तेज से दौड़ रहे हैं, शीघ्र गति में हैं, तो ये थोड़ा सा अशुभ का भी संकेत है, लेकिन दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ शुभ होंगे, ये सत्य है। आज यहीं तक, इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।